बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट, अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार पूजा कमेटी को 85,000 रुपए देने की घोषणा की थी। आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट ने 1170 पूजा कमेटियों को ये अनुदान मिलेगा। आज रविंद्र भवन में इसकी शुरुआत की गई। पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी एवं डीएम पन्नबलम एस की उपस्थिति में दुर्गा पूजा को लेकर समन्वय बैठक की गई। इस दौरान 9 पूजा कमेटी को चेक प्रदान किया गया, बाकी पूजा कमेटी को थाना स्तर से चेक दिए जाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से एवं सुरक्षित पूजा आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पूजा कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर उपमेयर वसीमुल हक, MMIC गुरुदास चैटर्जी, CMOH डॉक्टर शेख मोहम्मद यूनुस, DCP हेडक्वार्टर डॉक्टर अरविंद आनंद, DCP ट्रैफिक PVG सतीश, सेंट्रल ध्रुवदास, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत सभी थानों के प्रभारी, दमकल विभाग के अधिकारी, SDM सहित पश्चिम बर्दवान जिले के तमाम पुलिस अधिकारी और पूजा कमेटी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज के बेसिकली আমাদের দুর্গো পূজো কোঅর্ডিনেশন কমিটি মিটিং ছিল, যার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন পূজো কমিটির প্রতিনিধিরা এসেছিল। সেটা আমরা ওদেরকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কি কি গাইডলাইন আছে সেটা ওদেরকে বলা হলো এবং ওদের কি কি সমস্যা আছে সেটা আমরা শুনলাম এবং সেটা আমরা যেভাবে আমাদের ওদের যে সমস্যাগুলো আছে সেটা আমরা শেষ করার ওটা চেষ্টা করছি এবং আশা করছি এই যে পূজো আসছে আমাদের আমরা টোকেন হিসাবে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যেটা গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক পুজো কমিটিকে, তার মধ্যে আমরা টোকেন হিসাবে 9টা পুজো কমিটিকে ওই গ্রান্টটাও আজকে দিয়েছি। আশা করছি আমরা সবাই মিলিয়ে এবারে যে পুজো আসছে সেটা খুবই সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে এটাকে আমাদের আশাসনে পালিত। কতটা পুজো গ্রান্ট পেয়েছে আমাদের জেলায়? 1170 পুজো এখানে গ্রান্ট পেয়েছে এবং সেটা সব যেটা টোকেন হিসাবে আজকে আমরা এখানে দিলাম, বাকি পুজোগুলোকে আমরা থানা থ্রু দিয়ে আমরা সবই গ্রান্ট সবই পুজোগুলোকে দিয়ে দেবো। আজ কে আমাদের রবীন্দ্র ভবন আসানসোলে দুর্গা পুজো কমিটিগুলো নিয়ে একটা মিটিং ছিল, কোঅর্ডিনেশন মিটিং। এখানে পুজো কমিটিগুলোর প্রতিনিধিরা ছিলেন আর আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের AMC থেকে শুরু করে AMC আপনার ACDCL, WBACDCL, হেলথ, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট সবাই ছিলেন। এখানে কী কী নিয়মগুলো মানতে হবে এটা নিয়ে বলা হলো, ট্রাফিক থেকে শুরু করে এগুলো বলা হলো। তারপরে ওনাদেরও ওনার পক্ষ থেকে অনেক সমস্যা বললেন, রাস্তাঘাট নিয়ে, কিছু ACDCL তার নিয়ে, এগুলো নিয়ে বললেন। ওটা আমরা নোট করলাম, অলরেডি কয়েকটা কাজ স্টার্ট হয়ে গেছে, আমরা আরও 15 দিনের মধ্যে ওনারা যেগুলো কাজগুলো বললেন ওটা আমরা শেষ করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। आसनसोल क्लब में तख्ता पलट हो गया है। अध्यक्ष पद का चुनाव अमरजीत सिंह भर्रारा ने जीत लिया है। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ बिस्वाल को हराया। अमरजीत को 347 तथा सोमनाथ को 308 वोट मिले। शोभन नारायण बसु एक बार फिर से सचिव का चुनाव जीते हैं। उन्होंने प्रतिद्वंदी लखेश्वर पांडे को बड़े अंतर से हराया। शोभन को 479 तथा लखेश्वर को 176 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं मुरारी अग्रवाल कोषाध्यक्ष तथा मनीष बागड़िया उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। आसनसोल क्लब चुनाव को लेकर सुबह से ही गहमागहमी थी। सदस्यों ने उत्साह के साथ मतदान में भागीदारी की। शाम को मतगणना शुरू हुई जो कुछ घंटे के बाद संपन्न हुई। चुनाव परिणाम आने के बाद विजयी गुट के सदस्य ने जीत का जश्न मनाया। Thank you everyone, thank you so much. मैं एक ही कारण से जीता हूँ क्योंकि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छे लड़के मिले काम कर रहा हूँ। ये इलेक्शन कोई बिना नेटवर्क की नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे हम गुरुद्वारे में इलेक्शन करते हैं उसमें एक कम्युनिटी होती है, इसमें सैकड़ों कम्युनिटी है, तो उसमें इतना बड़ा नेक्सस को संभालना, मैनेज करना और सक्सेसफुल आना बहुत मुश्किल था। सेकेंडली और लास्टली मुझे फर्स्ट डे से पता था कि ये बहुत टफ फाइट होने वाली है। मेरा अपोनेंट इज अ वेरी गुड फाइट,
and I really accept that and appreciate it. And I have nothing against him at all. And I'm assuring Gauri Bhaiya, this team will not do anything out of rivalry or vengeance. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम completely fresh outlook के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा किसी के प्रति भी कुछ नहीं होगा. सीनियर्स का साथ है हमारे साथ. हमारा 2 साल का टर्म है. हमने जो जो बोलना है पहले सब मीटिंग्स में बोल रखा है. We will try our best ये 2 साल हम अच्छी तरह से काम करें. और देखिए यहाँ सारा स्टाफ भी मुझे लगता है मुझे सुन रहा है. बड़ी बातें मेरे पास बोली गई है. पता नहीं ये आके आज ये कर देगा वो कर देगा. मैं कोई राक्षस नहीं आ रहा कहीं से. आप लोग काम करिए. सिस्टम काम करना चाहिए. क्लब में प्रेसिडेंट आज भी मैं जीतने के बाद भी कह रहा हूँ 14-15 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है. क्लब में सिस्टम करना चाहिए. आज आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम में संचालित आईटीआई से पास करने वाले छात्रों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. इसमें सफल 70 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर राज्य के पंचायत मंत्री डॉक्टर प्रदीप मजुमदार, पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पन्नाबलम, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता, पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के अलावा तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे. यहाँ पर आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम आईटीआई पास आउट करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया. इस वाक्य पर सभी ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने हाथ बढ़ाया. विधायक के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने बनपुर के नरसिंह बांध, राम बांध, रानीगंज के बल्लभपुर, आसनसोल के काली पहाड़ी, साथ ही मोहिशिला, डामरा आदि इलाकों में करीब 600 तिरपाल वितरण किया गया. इस दौरान पार्थ सारथी दास, संगीता नोनिया, रमानंद शाह, संदीप, संजय यादव, अपूर्व काकोली घोष, दिव्या शर्मा, संध्या परमानिक, दीपक घोष, अनमोल सिंह, भरत ध्रुव, रूपा वर्मा आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई. पुरुलिया से टरबाइन लेकर दुर्गापुर जा रहे भारी वाहन के कारण आसनसोल शहर के ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई. जीटी रोड पर ट्रेलर के फंसने से पुलिस को शहर से बाहर निकालने में पसीने छूट गए. ट्रेलर को शहर से बाहर निकालने के दौरान उषा ग्राम में नगर निगम के बिजली के खंभों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. सुबह से लेकर शाम तक पुलिस इसे शहर से बाहर निकालने में ही व्यस्त रही और जीटी रोड का एक लेन बंद रहा. इसके कारण नागरिकों को भारी परेशानी हुई. इससे उनमें आक्रोश भी देखा गया. उनका सवाल था कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, किसके कारण ये स्थिति पैदा हुई. बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद. आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर. हमारा नंबर है 7047958258. हमारा दूसरा नंबर है 7908186164. कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें.